Malang is spelled Oklahoma. Oklahoma kya hai? Oklahoma hai United States ki ek riyasat. Jahan pe mera aana hua hai scholarship ke silsile mein, Pakistan US Journalist Exchange Program ke silsile mein, US Department of State jaane se scholarship offer hui thi, jisme main criteria puri utri honor ne mujhe offer kiya. To ab main yahan hu aur main yahan pe aapko saath apne rakhungi. Hum yahan pe pahunche the hafte ki raat ko. तो इतवार वाले दिन हम यहाँ पे गए थे एक मेमोयर में. मेमोयर मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे क्या हुआ. बड़ा मज़ा आया हमें. मेमोयर जो एक यादगार है, 1995 में 19 अप्रैल को एक बम धमाका हुआ था. और क्या बोलूँ, ये तो खैर ये लोग भी बोलते हैं कि खुशकिस्मती से कोई एशियन नहीं था जिसने धमाका किया, वो एक अमेरिकन ही था. तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ नाराज़ था तो उसने धमाके ही कर दिया. उस सिलसिले में 168 अफराद जो है बेचारे निजान से चले गए, जिनमें बच्चे भी थे. तो उस जगह को उन्होंने एक यादगार बनाया है और उसको हमने विज़िट किया. बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत ज़बरदस्त जगह लगी. उस चीज़ से हमने एक चीज़ सीखी ज़रूर कि वहाँ एक तो वहाँ पर सिम्बॉलिकली उन्होंने बहुत डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को रखा, बनाया, लगाया. वहाँ पे जितने लोग मिले थे उनके नाम की चेयर्स बनाई ताकि उनकी चेयर्स के साथ उनके नाम लिखे ताकि आप उनको याद रख सकें. ओकलाहोमा सिटी बहुत पीसफुल है, उसमें इतना बड़ा एक्सप्लोजन पहली दफ़ा हुआ था तारीख में, इन्होंने पहली दफ़ा देखा था. तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत रास किस्म की चीज़ थी इनके लिए. तो वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपको ये बावर कराती हैं कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, आपको आगे बढ़ना है. इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, ट्रेजडीज़ होती हैं, आपको आगे बढ़ना है. तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं इस हवाले से, और वो सब चीज़ें मैं आपको अपने वीलॉग्स में दिखाती रहूँगी. अभी मैं आपको एक क्विक टूर करा रही हूँ अपने साथ, तो उसमें आप मेरे साथ जल्दी 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 सब चीज़ें देख रहे हैं. संडे वाले दिन हम मेमोर गए थे, इस सब चीज़ों के मुताबिक मैंने आपको बताया. फिर जो है पीर वाले दिन हमने जो है ओकलाहोमा यूनिवर्सिटी का विज़िट किया. ओकलाहोमा यूनिवर्सिटी जो है बड़ी अच्छी है इस हवाले से कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, गेल और यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमारा फेलोशिप है, जहाँ पढ़ रहे हैं. तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे उनका अपना बच्चों का टीवी स्टेशन है, जहाँ पे 90% जो है वो स्टूडेंट्स ही काम करते हैं. कुछ सीनियर फैकल्टी मेम्बर्स हैं जो उन्हें सिर्फ एडवाइस करते हैं, उनको इम्पोज नहीं करते. फिर हमने इनका रेडियो स्टेशन देखा. रेडियो स्टेशन जो इनका था OKGU का, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था. वहाँ पे हमारी डिक प्रयास से मुलाकात की, जो कि GM है, बहुत साबिक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, अब वो रेडियो से वापस आए. डिक प्रयास से हमारी बड़ी मज़े की बातें हुई हैं, बहुत मज़ा आया. उनके साथ एक बड़ा मुख्तलिफ तजर्बा रहा बात करने का, बहुत खुल के बात की उन्होंने. हमें अंदाज़ा नहीं था कि बींग अ जर्नलिस्ट अमेरिका में भी कोई इतना खुल के बात कर सकता है. हमें लगता था कि हम बींग अ जर्नलिस्ट हम पाकिस्तान वाले जो हैं बड़े सप्रेस्ड हैं और फलाना डिवाना, लेकिन यहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि जर्नलिस्ट कहीं के भी हों, हाल सबका सेम है. तो कल हमने फिर रेडियो स्टेशन का दौरा किया और रात को हम एक जो है वो लाइव प्रोग्राम था बच्चों का, स्पोर्ट्स शो, हम वहाँ पे थे एज अ ऑडियंस. और उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस भी कराया कि पाकिस्तान से जर्नलिस्ट आए हैं. तो ओवरऑल हम 10 अफराद का ग्रुप है जर्नलिस्ट का, जो कि मुख्तलिफ जो है कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कुछ प्रिंट मीडिया से, जो है कुछ न्यूज़ एंकर भी हैं. तो हम सब जो है डिफरेंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ओवरऑल हम पाकिस्तानी हैं. और पोटेंशली यहाँ के लोगों ने भी, यहाँ के जर्नलिस्टों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वी हैव मच मच मोर पोटेंशियल देन देम, क्योंकि वो जो मुश्किल हमें पाकिस्तान में बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, वो यहाँ नहीं करनी पड़ती, तो हम ज़्यादा काबिल हैं. तो आपकी मलंगड़ी जो है वो ज़्यादा काबिल है. तो आज के लिए इतना ही. मैंने अभी आपको एक क्विक रिव्यू दिया है कि क्या, क्यों, कब, कैसे हम कहाँ गए. अब जो है मैं जब बात करूँगी तो इन डिटेल आपको पूरी जगह दिखाऊँगी, ठीक है. अभी हमने से कुछ कुछ ग्लिम्प्स नहीं है. तो आज हमारे दो लेक्चर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली लेक्चर्स में आपको पता है सम हाउ कैमरा लाओ नहीं होगा. तो हमने कुछ सेल्फीज खींच के अपना काम चला ली है, लेकिन आई विल डेफिनेटली शो यू माई यूनिवर्सिटी. सो टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.